व्यान वायु इज बेसिकली रिलेटेड टू सर्कुलेशन इन द बॉडी। सर्कुलेशन मतलब कि जो ब्लड का मूवमेंट है। अपान वायु इज बेसिकली द लोअर पार्ट ऑफ द वायु वेयर कॉन्स्टिपेशन हैपेंस, वेयर लाइक ना बॉडी से एक्सक्रीट निकालने का बात हुआ। अपान वायु का अगर प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, उसमें उसके केसेस में त्रिफला का इस्तेमाल होगा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वायुस जो शरीर में भी है। आई डोंट नो वेदर यू गाइस हैव एवर पिक्ड अप अ डेड बॉडी और नॉट, बट इफ यू पिक अप अ डेड बॉडी यू विल सडनली नोटिस, इफ यू पिक अ लिविंग बॉडी कंपेयर टू अ नॉन लिविंग बॉडी, द वेट ऑफ द बॉडी विल फील मच मोर ऑफ अ डेड बॉडी कंपेयर टू अ नॉर्मल बॉडी। नहीं व्हाई इज दैट हैपनिंग? इज ड्यू टू वायु। समझो कि वायु जो है, जो हम लोग को अपलिफ्ट रखती है, जो अगेंस्ट द वेट रखती है, और हमें कभी अपना वजन फील नहीं होता, है ना? तुम बड़े से बड़ा या मोटे से मोटा आदमी भी ले लो, उसको भी अपना वजन तभी फील होता है जब वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है, ठीक है? उससे पहले उसको ऐसा रियलाइजेशन नहीं होता है कि हम या बहुत वेटेड है या नहीं है। ये कितना भी बड़ा बॉडी हो, वेट वायु की वजह से उसको हल्का ही लगता है। दैट इज व्हाई यू आर एबल टू जंप एंड मूव। सो बेसिकली हर प्रकार के मूवमेंट का कारण भी वायु है। सो उसी भांति शरीर में भी होने वाले हर प्रकार के मूवमेंट का कारण वायु से आता है। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वायुस, प्रिडोमिनेटली 4 to 5 टाइप्स ऑफ वायु दैट आर इनसाइड आवर बॉडी दैट हेल्प्स अस टू मूव थिंग्स इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो। सो फर्स्ट वायु इज द प्राण वायु। तो प्राण वायु क्या है? प्राण वायु इज प्रिडोमिनेटली लोकेटेड इन द रीजन्स ऑफ हेड टू द नेक रीजन्स, ठीक है? हेड और ब्रेन और अपर पार्ट ऑफ जो बॉडी है सबसे ज्यादा वहां पे है। ये तुम्हारे हर प्रकार के सेंसरी परसेप्शंस को, कह लीजिए कि जो भी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो समझने में और उसको फील करने में हेल्प करती है। और इट्स प्रिडोमिनेटली ऑल्सो रिलेटेड टू इनहेलेशन, जो सांस ले रहे हैं, ये जो खींचने की प्रक्रिया है कर पा रहे हैं, ये प्राण वायु बोलते हैं। इसीलिए इसको प्राणायाम के प्रोसेस बोला जाता है ना, कि हम कर रहे हैं तो प्राणायाम कर रहे हैं। सो ये एनीथिंग दैट इज अपर बॉडी रिलेटेड, तो स्वॉलोइंग, ये जो नीचे गया, ये जो नीचे जाने का प्रोसेस है, ये कौन लेके जा रहा है? प्राण वायु लेके जा रही है। किसी का प्राण वायु कम हो जाए तो गल्प करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई भी चीज लीलने में दिक्कत होती है। होती है ना, किसी लोग को नीचे नहीं जाता है, लीलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है? और मेजरली इसका जो सोर्स सारा मूवमेंट है वो अपवर्ड ब्रेन की तरफ भी है, ठीक है? सो बेसिकली जो पूरा अपर बॉडी का रीजन है उसमें प्राण वायु का होता है। यही आपको कॉन्शियस रखने में भी मदद करती है, ठीक है? और यही वायु बोलते हैं कि प्राण वायु निकल गई तो बेसिकली आप कॉन्शियसली चले गए, बाकी शरीर तो आपका है। देन देयर इज अदर फॉर्म ऑफ वायु दैट इज कॉल्ड एज उदान वायु। नाउ व्हाट इज उदान वायु? उदान वायु गोज बिलो, वंस यू गल्प इट, उसके नीचे जाने के लिए आता है। सो ऑल द थिंग्स दैट इज देयर, लाइक वी आर स्पीकिंग, लाइक हम जब बोल रहे हैं तो भी एक वायु है और वो वायु से निकलता है, ठीक है? सो थोरैसिक रीजन में जो वायु है, ठीक है, जो इंटरैक्ट्स विद द फ्लोइंग ऑफ प्राण और ब्रेथ का एक्सहेलेशन है, ठीक है? सो जो जैसे हिचकी आती है कई लोगों को, ठीक है, हिचकी आने का प्रोसेस है, तो ये वायु में गड़बड़ी होने की वजह से हिचकी आती है, बार बार ऐसा लगता है खाना बाहर को निकाला जाए, ठीक है? उदान वायु एरिया ऑफ लोकेटेड डाइफ्राम के एरिया में, मतलब यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, जो बोल रहे हैं, जो यहाँ से एक्सहेल करते हैं, एक्सहेलेशन का प्रोसेस जो है वो उदान वायु का है, ठीक है? तो जो भी चीज अंदर ले रहे हैं वो प्राण वायु से आती है, और जो एक्सहेल कर रहे हैं फिर उदान वायु हेल्प करती है उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है? सो कोई जैसे ढकार, जो ढकार निकाल रही है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ उदान वायु, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे तुमको वॉमिटिंग हो गई, स्पीच एक्सप्रेशन है, वॉमिटिंग है, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है? ये सारा प्रोसेस, अगर ये वायु ज्यादा है, उदान वायु ज्यादा है, तो आपको ये एरिया में दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, स्पीच इंपेयरमेंट हो जाएगी, ये सारी चीजें। एंड देन देर इज अ समान वायु। समान वायु इज द लोअर रीजन, यानी कि जो स्टमक रीजन में वायु है, जो फूड के रीजन से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं नेवल रीजन से कनेक्टेड है, ठीक है? जो इंटेस्टाइनल रीजन से
लीनियर जो मोशन है, अब्सॉर्प्शन है जो हो रहा है स्टमक के अंदर में, है ना, एक जो मूवमेंट है अब्सॉर्प्शन का, कोई चीज को सक करने का, क्योंकि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चीजें सक हो रही है, तो वो सक कैसे होंगी, वो इसी समान वायु की वजह से होंगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन सो वेर पे। एवर अब्सॉर्प्शन, बेसिकली एब्जॉर्प्शन कह लीजिए, मूवमेंट भी कह लीजिए ना, कि आप कई लोगों को देख रहे हो ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में मूवमेंट का प्रॉब्लम है, वो मूवमेंट नहीं हो पा रही, तो वो उदान समान वायु का प्रॉब्लम है। इसके लिए फिर आपको एक वो देर प्राणा, इन सब के लिए 18 प्रकार की वायु के अलग प्रकार के प्राणायाम है, लाइक देर इज अ आप सुख क्रिया करते हो, बेसिकली अनुलोम विलोम, दैट इज रिलेटेड टू अपर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि प्राण वायु और उदान वायु से रिलेटेड हो गया ये वाला जो है। देन देर इज अ कपाल भाती, कपाल भाती इज रिलेटेड टू स्टमक, वो उसमें नीचे वाले पोर्शन से आप ब्रेथ को फेंकने की कोशिश करते हो, दैट इज रिलेटेड टू समान वायु, ठीक है। सो वेरियस जैसे भस्त्रिका होती है, ऐसा कर रहे हैं, तो ये सारी अलग वायु को ट्रीट करने के लिए है। सो अनुलोम विलोम इज प्राण वायु एंड उदान वायु, कपाल भाति एंड भस्त्रिका इज रिलेटेड टू समान वायु जो कि लोअर पोर्शन ऑफ उसमें आती है। देन देयर इज अ व्यान वायु, व्यान वायु इज बेसिकली रिलेटेड टू सर्कुलेशन इन द बॉडी, सर्कुलेशन मतलब कि जो ब्लड का मूवमेंट है, ठीक है, ध्यान पल्स, व्यान, VYANA, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सटल है, सटल वायु है, ठीक है। ये यू विल नोटिस दिस वायु व्हेन यू आर इन क्राइंग स्टेट, जब तुम क्राई करते हो तो सांस नहीं आती ना, एक अजीब प्रकार से सांस आती है, वो सर्कुलेशन वायु है, जो व्यान वायु है। सो पल्सेशन इन द बॉडी, हार्ट पंपिंग, हार्ट सर्कुलेशन, ब्लड ब्लड ऑक्सीजन का जो होना, एक्सचेंज होना, हर बॉडी के सेल सेल में ब्लड पहुंचाना, ये व्यान वायु का रीजन है, ठीक है। तो स्टमक में तो आपने सक कर लिया, लेकिन सक करने के बाद वो हर चीज पहुंचे, उसके लिए व्यान वायु चाहिए, ये व्यान वायु का पार्ट है। सो इसके लिए एक प्रोसेस होता है नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन योग में एक अलग प्रोसेस है, वो नाड़ी की क्रिया है, उससे ये वाली वायु जिसको ब्लड प्रेशर का, बीपी का, ये सब का प्रॉब्लम हो रहा है, सो बेसिकली उनकी क्या हो रही है, व्यान वायु या तो एक्सेस हो गई या कम हो गई, लो बीपी यानी कि व्यान वायु कमी हो रहा है, तो नाड़ी शोधन क्रिया से वो बैलेंस होता है। इसी इसी में एक्चुअली नाड़ी शोध, इसी वायु में जो ट्री का काम है, यहाँ पे जो स्वाति में जो ट्री का डिस्कशन है वो है अर्जुन, सो अर्जुन की पत्तियों का छाल का यूजेज होना तुम्हारे ब्लड प्रेशर का और इनका रेगुलेशन के लिए काम होता है, व्यान वायु ठीक करने के लिए। देन देयर इज अपान वायु, अपान वायु इज बेसिकली द लोअर पार्ट ऑफ द वायु वेयर कॉन्स्टिपेशन हैपेंस, वेयर एक लाइक ना बॉडी से एक्सक्रीट निकालने का बात हुआ, तो देयर इज लाइक इफ यू एवर हैव डन दिस और नॉट आई डोंट नो, बट यू आर ट्राइंग टू फोर्स थिंग्स आउट ऑफ योर बॉडी, सो वो वायु जब आप नीचे की ओर डाउनवर्ड की ओर फोर्स लगाते हो, सो दैट इज अपान वायु, एंड दैट वायु इज बेसिकली इन पेल्विक एरिया, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, कोई भी मटेरियल को बाहर निकालेंगे, सो बेसिकली यूरिनेशन, ठीक है, ये है, और यही मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यही वो है वायु जो एक्चुअली में नी प्रॉब्लम देती है, इफ लाइक इट इज एक्सेस इन बॉडी, सो यू विल हैव गैस, लाइक ना ऑलवेज दुड़ीन दड़ाम, आप जहां जा रहे हो कर रहे हो, ठीक है, एंड देन यू आर लाइक ना इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ यू आर हैविंग इश्यूज लाइक ज्वाइंट पेन, नी पेन, है ना, उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो दैट इज कमिंग, लेग पेन दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस अपान वायु। और इफ यू गो डीपर इन योग, और व्हेन यू से लाइक समबडी इज इनटू साधना, फाइंड कि उनकी अपान वायु एक्चुअली में कम होना शुरू हो जाती है, नॉट एग्जैक्टली कम होती है, बट देयर होल फोकस इज टू कन्वर्ट दिस वायु, दिस डाउनवर्ड मूविंग वायु टू अपवर्ड मूविंग वायु। Why they want to do it is because they want to like na move their kundalini, that is in the lower backbone region, जो आपका base of the backbone है, उसमें एक energy जो है उसको uplift करने के लिए, उसको head पे लाने के लिए, they want to use this वायु, अपान वायु, to change its motion from downward to upward, and that is why they stop eating because they know if they will eat, they will have to excrete, so they stop, reduce, reduce, reduce to extent that this apan vayu actually can go up now.
एंड दे पर्पसफुली डू सम काइंड ऑफ अ लॉकिंग, इनर लॉक और अदर लॉक्स टू मूव दिस काइंड ऑफ वायु टू अपवर्ड डायरेक्शन, सो दैट दिस शक्ति और एनर्जी कैन मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन टू इट्स नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, सो यही वायु का फिर वो काम इस्तेमाल लिया जाता है, इसीलिए फिर वो पीक ऑफ द साधनास में इट्स लाइक टोटली अवॉइड करी खाने के लिए, लेकिन टॉयलेट और वॉशरूम ना जाना पड़े। एंड दैट इज व्हाई व्हेन एट द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन आदि योगी मेट द सप्तऋषिज, सप्तऋषिज नेवर न्यू आदि योगी, बट वन थिंग दैट दे फाउंड इट फैसिनेटिंग वाज दैट आदि योगी डिडंट नीडेड टू लाइक ना गो टू टॉयलेट और वॉशरूम फॉर लाइक 21 days, 31 days, ही जस्ट केप्ट सिटिंग ओवर देयर, सो वो अचीव कर दिया था। सो दैट इज व्हाई ऑल द अदर पीपल लेफ्ट, बट सप्तऋषि न्यू दैट दिस गाय हैज डन समथिंग वेरी अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ व्हिच ही इज एबल टू सिट सो लॉन्ग। भाई आप और हम बैठेंगे, हमें क्या करना है, 2 घंटे हुए चलो टॉयलेट करके आ जाते हैं। सो वो प्रोसेस को पार कर लिया था आदि गौ योगी ने, इसलिए दैट इज व्हाई सप्तऋषि स्टेड विद हिम फॉर सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन टू लर्न एक्चुअली व्हाट इज देयर और हाउ हाउ डिड ही अचीव दैट जो बॉडी की बेसिक नेसेसिटीज हैं उसको पार कैसे किया उन्होंने। सो दिस अपान वायु दैट ही डिडंट नीडेड टू गो टू टॉयलेट और वॉशरूम, इट वाज बिकॉज़ ऑफ द योगा। तो ठीक है, इसके लिए कौन सो सा योग होता है? अच्छा, उस इसके लिए एक्चुअली सारे योग इसी के लिए होते ही हैं, बेसिकली सारे योग इसी के लिए होते हैं। देयर इज प्रोसेस जो कि अल्टीमेटली इसी वायु को कंट्रोल पे है, लेकिन ये वायु तब तक कंट्रोल में आएगी जबकि ऊपर वाली वायु उस कंट्रोल में ना हो, इसे प्राण वायु बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इस वायु को कम करने के लिए फूड इंटेक करना पड़ेगा आपको, तो वैसे ही व्यान वायु और ये सब अब्सॉर्प्शन और वायु सब खत्म हो जाएंगे, इनका यूजेज ही नहीं हो रहा, तो फिर ऑटोमेटिकली सारी वायु ऊपर की तरफ ही उठने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे अपान वायु का अगर प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, उसके केसेस में त्रिफला का इस्तेमाल होगा, त्रिफला का इस्तेमाल अपान वायु को सॉल्व करता है, तो कॉन्स्टिपेशन और ये सब का इश्यू जो है उस डायरेक्शन में उससे सॉल्व होगा। ठीक है, हर्रे एक आता है, हर्रे वेरी आई डोंट नो हाउ मच यू प्लेस आर इन टू आयुर्वेद, बट हर्रे इज वेरी पॉपुलरली यूज फॉर हर्रे अजवाइन, काली अजवाइन एंड अजवाइन इज बेसिकली फॉर समान वायु, सो दैट इज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जो नेवल रीजन की प्रॉब्लम है, देन देर इज अ लोअर, उसमें अजवाइन का इस्तेमाल होगा। इन दिस वे वेरियस वायुज एक्चुअली हेल्प टू रेगुलेट द बॉडी। तो प्राण वायु इज द वायु दैट एक्चुअली लिफ्ट्स यू अप, लिफ्ट्स यू अप इन द सेंस कि अब आप देखो ना कि आप जब सुबह उठते हो तो आप उठ जाते हो कि आपको उठाना पड़ता है, 5 लोग पकड़ के आपको उठा रहे हैं, तो दैट इज व्हेन प्राण वायु इज एक्चुअली वीक एंड लोअर बॉडी में, यानी कि अपान वायु जितनी आपकी समान वायु है ये ज्यादा है, सो यू विल बी नीड टू बी पुश्ड फ्रॉम योर बेड, आप उठ नहीं पाएंगे, आपको ऐसा उससे लगेगा बस लेट जाऊं, उससे लगता है कुछ लोगों को होता है बस अरे थोड़ा लेट जाऊं, बात बात पे वो बैठने को हो जाए तो अरे बाप रे इतनी देर खड़े कैसे रहूं या बैठे कैसे, तुरंत तुरंत से टेक लगा लें, थोड़ा देर वही से फिर ऐसे फिर ऐसे उनका चल रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वायु जो है वो प्राण वायु नहीं है जो बैलेंसिंग है आपके शरीर में, और प्राण वायु ज्यादा हो तो ऐसा व्यक्ति बैठ नहीं पाता है, उछलता कूदता इधर से उधर रहेगा, चलता रहेगा, उसके लिए बैठने के लिए वो बैठेगा भी कैसे, हाँ बताओ क्या दिक्कत है, क्यों, क्योंकि पूरी वायु उसकी मूवमेंट है अपवर्ड, इसलिए वजन कम फील होता है प्राण वायु, और जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी लाइटर द बॉडी बिकॉज़, और इसलिए खाना खाने के बाद सारे लोग धीरे धीरे सो यार क्योंकि भाई अब बॉडी में वायु का लिमिट है, लिमिट इन द सेंस कि यू आर नॉट योगी, यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिसेस एवरी डे, यू आर नॉट इन टू टेकिंग लाइक हाउ टू कन्वर्ट दैट ऑक्सीजन इन टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायु, सो बेसिकली आपका सारा वायु तो एक लिमिटेड हो गया, और वो लिमिटेशन के वजह से आप जैसे ही खाना खाओगे सारी वायु दौड़ी उसको पचाने के लिए या उसको मूव करने के लिए शरीर के अंदर में, सो दैट इज वाई यू आर लीनिंग डाउन, स्लोइंग स्लोइंग डाउन, एंड द मोर द प्राण वायु इज द मोर फास्टर यू आर, मोर एनर्जेटिक यू आर, मोर टॉकेटिव यू आर, है ना, सो बिकॉज देयर इज अ दो अपर पार्ट में जो दो वायुज है जैसे प्राण एंड उदान, दीज आर मेकिंग यू टॉक अ लॉट। ठीक है, तो ये इस तरह से
इसीलिए अश्विनी भी हम वायु से रिलेट करते थे. अश्विनी इज एक्चुअली ब्रीदिंग, बट वो अश्विनी इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, नॉट द ब्रेथ. सो यहाँ पे ये तुमको डायनेमिक्स मिलता है कि ये दोनों ही चाहिए हमें. अश्विनी ब्रिंग्स दैट ब्रेथ एंड द स्वाति कंप्लीट्स दैट वायु. तो अश्विनी की सारी सीकिंग किसके लिए है? स्वाति के लिए है. ये बैलेंस है. यही मैं तुमको हमेशा जब राशियां पढ़ाता था मैं तुमको एक बताता था कि डिजायर उसकी अपोजिट की है. ठीक है, डिजायर अपोजिट की. इसीलिए देखो भरनी अपोजिट में मिला है. भरनी इज द योनि, बट हेयर इज द सेक्सुअलिटी पार्ट, हेयर इज द प्रजनन पार्ट, हेयर इज दैट स्पर्म सेल लिंकिंग इन टू जाइगोट, फॉर्मिंग अ जाइगोट, दैट इज देयर. ठीक है, और वहां पे भरनी में इज द वूम, इज द रीजन वेयर इट विल हैपन, इज द ओवरी इज वेयर इट विल हैपन. सो ये डायनेमिक्स है कि वो एक कंप्लीट करता है उसको अल्टीमेटली 1/7 एक्सिस में. ठीक है, स्वाति इज नॉट अबाउट सेल्फ बट इट डिजायर्स टू बिकम कृतिका, इट्स डिजायर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट. एक्चुअली में कृतिका इज द इंडिपेंडेंसी. स्वाति का डिजायर इंडिपेंडेंस की तरफ जाता है टू बिकम कृत लाइक अ कृतिक. ठीक है, सो वेरियस डायमेंशंस ऑफ वायु इन द बॉडी इज लीडिंग टू हाउ क्विक एंड हाउ मूवेबल वी आर इन दिस नेचर. एंड जितनी ज्यादा वायु अच्छे तरीके से प्राणवायु में होगी उतना व्यक्ति जीवंत महसूस करेगा, उतना व्यक्ति एक्टिव महसूस करेगा, उतनी सेंसरी चीजें उसको ज्यादा समझ में आएंगी. सेंसरी मतलब कि उसके सेंस अच्छे से काम करेंगे, हर चीज को परसीव करना, दिमाग से सोचना, सारी चीजें एक्टिव होंगी. और जितना ज्यादा अपान वायु प्रोमिनेंट होगी ऐसा व्यक्ति डल होता चला जाएगा. ठीक है, सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वायुस.